ತಮ್ಮೇತಃ ಸಪ್ತಾಕ್ಷಿತ ಉಪದಿಷ್ಟಂತೆ ತಮ್ಮ ಶಿಶುಂ ಪ್ರಾರಂಭೇವ ಏತಾ ಸಪ್ತಾಕ್ಷಿತ ಸಾತ್ ಅಕ್ಷಿತಿಯಾ ಹೇ ವೇ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಉಪಸ್ಥಾನ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ ಕರ್ನೆ ಜಾ ರಹೇ ತಮ್ಮ ಕರುಣಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಾಣಂ ಶರೀರೇ ಅನ್ನ ವಂದನಂ ಜೇ ಕರುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣ ಸೋ ಶರೀರ ರೂಪ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೇ ಇಸ್ ಶರೀರ ಮೇ ಹಿ प्रत्याधान में प्रत्याधान बुधा शरीर में आधान बुता है ना प्रत्याधान रूप चक्षु है शरीर अन्न बंदनम चक्षुषी ऊढ़ एता वक्षमाणा सप्त इत्यादि अन्न बंदन में अन्न दामान अन्न है रसी जिसका चक्षुषी ऊढ़ और चक्षु में जो है वह ऊढ़ है आरूढ़ है एता वक्षमाणा ऐसे उसको ये जो आगे कहे जाने वाले सप्त संख्या खा अक्षितयो अक्षिति हेतु अक्षितया अक्षय का कारण होने से उनको अक्षिति कर दिया गया वे जो है उपदिष्टन्ते उपासते क्या वे जो है उस प्राण की उपासना यद्यपि यहां कोई मंत्र पाठ तो होता नहीं उस प्राण का ध्यान करने के लिए कोई मंत्र पूजा पाठ कर रहे हैं ये लोग उच्चारण हो रहा है नहीं उपाम मंत्र करने तो कहता है मंत्र पूर्वक जब स्तुति हो उस समय में यहां कोई मंत्र तो है नहीं इसलिए भाष्यकार कहते हैं यद्यपि मंत्र करणे तिष्ठति रूप पूर्वात्न प्रतिभवति यद्यपि मंत्र करणे माने मंत्र के द्वारा कसचित किसी चीज की अनुष्ठान अनुष्ठेय का अनुष्ठान रूप कर्म किया जाए तादृश अनुष्ठान रूप कर्म को करने में प्रयुक्त होता है जब तब उपवसर पूर्वक स्था धातु को आत्र पद माना गया है व्याकरण शास्त्र में लेकिन यद्यपि ऐसा तो है तथापि यहापि सप्त देवता विधानानी मंत्र स्थानीयानी ये देवताओं का नाम ही मंत्र है सप्त देवताओं का जो अभिधान है यही मंत्र स्थान यानी करणानी मंत्र स्थान होता कर्ण के समान कर्ण है साधन के समान साधन है जिसके द्वारा आप जो है उपस्थान कर रहे हो उस प्राण का अति तिष्ठते रतो अत्रापि आत्रपदम न वृद्धम इस स्थान तो यहाँ पर आत्रपद जो बनाया गया वह कोई गलत नहीं है विरोध नहीं है कास्ताक्षित इत्युच्यते वे जो है अक्षितिया सात देवता जो अक्षयकारी देवता जो रूपेण या विद्यमान जो है वे कौन है वो इति उच्यन्ते तत्र या इमा प्रसिद्धा अक्षन अक्षनी लोहिन्यो लोहिता राजयो रेका तत् मने तत्र उन सात में से पहले के वाले बताने जा रहे हैं हाँ। पहला कौन है वो या इमा प्रसिद्धा जो प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है जिस आंख के अंदर दिखाई दे रहे हैं जो लाल लाल जो है नाड़ियां राजेह रेखा के सदृश सूक्ष्म रेखाओं के सदृश जो दिखाई देते हैं ताभिर द्वार भूताभिर एनम मध्यमम प्राणम रुद्रो अन्वायतो अनुगदः ये जो मध्यम प्राण है उस मध्यम प्राण को उन रेखा रूपी साधनों के माध्यम से कौन ये रुद्र रूपी देवता एक तरह से अनुगत है मैंने अनुगत का मतलब क्या उपदिष्ट उपासते उपासना करता है और अथ या अक्षन अक्षणी आपो और ये जो आंखों में जल है वह विशेष रूप अभिव्यक्त भी हो जाता है जल तो सदा है लेकिन विशेष रूप धूमादि संयोगी न विविज्यमान आप धूमादि का संयोग से अभिव्यक्त होते हैं जो आंखों में ये स्वाभाविक के लिए जान के लिया एक तो आनंद के समय भी आता है दुख के समय भी आता है और स्वाभाविक जो बाह्य जो है प्राकृतिक आदि भौतिक कारणों के कारण से भी जो होता है किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति को लेना है जल अभिव्यक्त होता है ताबिर अभी उन्हीं जल के माध्यम से द्वारभूता पर्जन्यो देवदात्मा अन्वायता अन्वायतो मन अनुगत उपतिष्ठते इत्यर्थः उस जल रूपी साधन के माध्यम से उस जलों का अभिमानी देवता जो पर्जन्य देवता है वह देवता उसी प्राण को अनुगत होता है प्राण की उपासना करता है सच अन्न भूतो अक्षिति प्राणस्य सच और वो जो पर्जन्य ना अन्न भूत होकर के अक्षिति बन जाता है प्राण का
क्योंकि आपने अन्यत्र विद्या में देखा है पंचांग विद्या में वो पर्जन्य क्या हो जाता है, क्रमशः अन्न बन जाता है और अन्न होकर के प्राण के द्वारा खान योग्य बनेगा तो साथ साथ अक्षय रूपा भी वो हो जाता है। अक्षित ही प्राण से बोधी अन्न भूत होकर के प्राण के अक्षय का प्रतीक कारण भी बन जाता है। पर्जन्य वर्षदि आनंदिन प्राण भवन्ति श्रुत्यंतरा प्रमाण, पर्जन्य का वर्षा होने से ही बारिश जैसे होता है बादल जैसे बरसाते हैं समस्त प्राणी बड़ा आनंद को प्राप्त होते हैं। इति श्रुति प्रमाण है कि पर्जन्य का इस जीव के साथ संबंध को द्योतन करता है, वो भी अन्न द्वारा समझनी चाहिए क्योंकि बारिश होने लगा तो यही समझेंगे खूब अन्न होगा खेती बाड़ी खूब होगा अन्न प्राप्त होगी अन्न प्राप्त होगा तो मेरा प्राण सुदृढ़ रहेगा यही भाव। या कनीन का दृक्षति, जो कनीन का है छोटी सी काली सी गोलाई के अंदर विद्यमान हिंदी है कृष्ण ताराग्रवर्ती, न्याय की भाषा में प्रयोग किया ना उन्होंने कृष्ण ताराग्रवर्ती, यहां भी लिख रहे देखो गोलकम कृष्ण तारा दृक्षति तया कनीन कया द्वारेण तारिश कनिका रूपी द्वार के माध्यम से उसको बहाना बनाते उसको निमित्त बना करके आदित्य मध्यम प्राण उपतिष्ठित है, आदित्य देवता मध्यम प्राण की उपासना करता है। ये कृष्ण चक्षुषे और वो जो तारा के चारों ओर विद्यमान जो कृष्ण है काला रंग है वह चक्षु विद्यमान तेन एनम अग्नि उपतिष्ठित है उसके माध्यम से अग्नि उस प्राण की उपासना करता है। ये शुक्लम छु है ना छक्लम हो गया उकार जोड़ दो, ये शुक्लम चक्षुषी तेन इंद्रो जो शुक्ल रंग है उसके द्वारा चक्षु में विद्यमान जो शुक्ल रूपता है उसके मन से इंद्र जो है ना उस प्राण की उपासना करता है। अधरया वर्तन्या अधरन्य अधरया में अधस्तन्या नीचे की ओर स्थित जो होंट है उसके मध्य मैंने होंट नहीं क्या बोलते हैं पलक पक्षमणा इसलिए कर दिया ना पलक के द्वारा एनम मैंने इस मुख्य प्राण को पृथ्वी अनवायत्ता अधरत प्रसामान्या पृथ्वी जो उसकी उपासना करती है प्राण की, क्यों उसको पृथ्वी का दृष्टि कर दिया इसमें क्योंकि जो है ना अधरत प्रसामान्या इन तीनों लोकों में ऊपर में दीव बीच में अंतरिक्ष नीचे में पृथ्वी माना गया अधरत निम्न नीचत्व दृष्टिकोण से भी पृथ्वी का दृष्टि करना उचित होता है। द्योर उत्तरयोर ऊर्ध्वत सामान्या द्योर उत्तरया उत्तरया का मतलब क्या ऊपर का जो पलक का पक्ष म उसके द्वारा द्यूलोक का अभिमानी देवता उस प्राण को उपासना करता है, क्यों ऊर्ध्वत्व सामान्यात ऊर्ध्वत्व ऊर्ध्वत्व यही है कि ऊपर के है वो लोक इसलिए। एता सप्तान्न भूता प्राणस्य संततम उपतिष्ठन्ते इस प्रकार से प्राण का सप्त अन्न भूत इन तत्वों के द्वारा ही तत्त देवता लोग तत्त अनुरूपेण होकर के ही उस प्राण का उपासना करते हैं। इत्यम यो वेद ऐसा जो जानकर उपासना करता है तस्य एतत् फलम नास्य नंक्यते एवं वेद उसको यह फल मिलेगा कि जो ऐसा जन उपासना करता है उसके प्रति अन्न का क्षय नहीं होता। उसके अर्थ कभी अन्न का क्षय नहीं होता। तत्र एतस्मिन् अर्थे एष श्लोको मंत्र भवति इस विषय में जना यह मंत्र भी कथन कर रहा है। तदेष श्लोको भवति अर्वाग्भ्रश्चमस ऊर्ध्व बुद्धस् तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् तस्य आसदृशः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविधानेति ये मंत्र इसी की व्याख्या ब्राह्मण बाग कर रही। इसमें अरवाग बिल क्या है चमस क्या ये क्या वो क्या है तो मंत्र तो शॉर्टकट मार दिया अब समझ में नहीं आता है क्या है इस गारते तो स्वयं ब्राह्मण भाग व्याख्या कर रही है अरवाग बिल चमस ऊर्ध बुद्ध इदम तक्षर एशी अरवाग बिल चमस ऊर्ध बुद्र तस्मिन यशो निहितं विश्वरूपम् इति प्राणावयश विश्वरूपम् प्राणान् एतत् आह तस्य आसत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणावा ऋषयः प्राणान् एतत् आह वाग् अष्टमी ब्रह्मणा संविधानेति वाग्य अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते अरवाग् ब्लश्चमस तदेश श्लोक बहुते इसी अर्थ में यह मंत्र भी कुछ विशेष कथन करता हुआ प्रकाशन कर रहा है। क्या है अरवाग् ब्लश्चमस
बिल उसका नीचे की ओर है, मुख खुला हुआ छिद्र, और चमा से ऊर्ध्वमुद्रा ऊपर की ओर उसकी जो है क्या है पेट है, उल्टा घड़ा, घड़े को उल्टा रखोगे तो कैसे दिखेगा, घड़े का मुख नीचे उसका पेंदी और पेट ऊपर, उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी कोई ऐसा चीज है जिसका मुंह नीचे है और पेंदी ऊपर चोटी के जगह और बीच में उसका पेट ऐसे दिखता है, कौन है वो, ये सिर है, ये सिर ऐसा ही है, गोल चिकना चोटी छोड़ दे तो पेंदी बन गया हो नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अर्वाक बिलह और ऊर्ध्वमुद्रा वाले चमस पात्र के सदृश चमस पात्र है यहाँ, तस्मिन् यशो निहितम् विश्वरूपम्, उसमें यश निहित है जो कि नाना रूप वाला है, तस्यासता और उस चमस पात्र के तीर पे किनारे में सात ऋषि लोग बैठे हुए हैं, उसी के किनारों में सात ऋषि लोग बैठे हुए हैं, और आठवीं एक है वाणी नाम की जो चीज है जो ब्रह्म के साथ बोलने का काम किया करती, संविधानी थी, छिद्र वाला हो गया, कहते हैं कि भाई वह वाणी आठवीं बोली संवाद करने वाली, संविधान मैंने संवाद करने वाली, ब्रह्मणा संविधान मैंने ब्रह्म से, ब्रह्म मुख से, ब्रह्म द्वारा संवाद करने वाली, ब्रह्म द्वारा संवाद करने वाली वाणी नाम की आठवीं वस्तु उसी चमस पात्र के अंदर विद्यमान है। ये क्या है अर्वाक ऊर्ध्वमुद्रा वाला चमस, यश क्या चीज है, यहाँ ऋषियां कौन है, ये सारा चीज आप कृपया बतावे। तब कहती है श्रुति, अच्छा तो मैं समझा देती हूँ, ब्राह्मण भाग में श्रुति बोलने लगी अपने तरफ से, अर्वाक बिलह ऊर्ध्वमुद्रा चमस इति, ये जो शब्द हम का अर्थ है, इदम तच्छिर एव एश, ये जो सिर है ना यही वह अर्वाक बिलह ऊर्ध्वमुद्रा वाला चमस, समझो। और आगे कहा तस्मिन् यशो निहितम् विश्वरूपम् इति, है ना, मंत्र का टुकड़ा ले रहे हैं इति तक, मंत्र का हिस्सा लिया फिर उसकी व्याख्या कर, यहाँ पर क्या है, प्राणो वै यशो विश्वरूपम् प्राणान एतत् आह, प्राण ही यश है और प्राण कितने, एक नहीं अनेक प्रकार के, विश्वरूपम् प्राणान एतत् आह, प्राणों को ही विश्वरूप वाला है ऐसे कह दिया, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं आपके दो कान है ना, दो कान है, दो नाक है, ये सारे छिद्र क्या कर रहे हैं, दो आंख हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों को ग्रहण करते हैं, विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां ही आपको यश भी प्रदान करते हैं, अतिव इंद्रियों को प्राण शब्द से कहता हुआ यश नाम रख दिया। तस्य आसत ऋष सप्त तीर इति, ये मंत्र के हिस्सा, प्राणावा ऋषय आगे ना, ये ऋषि ही प्राण है, जैसे प्राण क्या है, ये ऋषि है, एतद आह, प्राणों को ही ऋषि शब्द से कह दिया है। वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान इति, वाग ही अष्टमी, वाणी ही आठवीं है, और ब्रह्मणा माने वेद या ब्रह्म शब्द से वेद, वेद रूपी मुख के द्वारा संवित्त संवाद करती है। भाष्य तत् माने तत्र सुनते एष श्लोक मंत्रो भवति अर्वाग श्रुति इत्यादि तत्र मंत्रार्थम आचष्टे श्रुति, मंत्र के वाक्य स्वयं नहीं कर रहे भाष्यकार, इसलिए कि श्रुति स्वयं कर रही है तो उनको बोलने की क्या जरूरत अलग से, इसलिए सीधा उस मंत्र को संकेत कर दिया इत्यादि छोड़ दिया। फिर आगे ब्राह्मण भाग में चले जा रहे, तत्र मंत्रार्थम आचष्टे श्रुति ही, मंत्रार्थ को स्वयं श्रुति कथन कर रही है, अर्वाग चम से ऊर्ध्वमुद्रा इति, ये अनुकरण कर लिया मंत्र का, कहा पुनरसौ अर्वाग चम से ऊर्ध्वमुद्रा, अरे अर्वाग चमस जो है बिल वाला ऊर्ध्वमुद्रा वाला ऐसे चमस कौन है ये, इदम तच्छिर चमस आकार, ये सिर ही है समझो, क्योंकि ये सिर भी चमस के आकार वाला है। इदम प्रसिद्ध तत् प्राणम प्रति प्रत्याधान उत्तम, प्रत्याधान जो कहा गया था उसी को लेना, शिर एव अर्वाग बिलो अर्वांग मुख ऊर्ध्वमुद्रा मने ऊर्ध्व आसन चमस चमस पात्र विप्रीत्याह, टिप्पण में स्पष्ट है सारा, तुलना कर दिया है सादृश्यताओं को। कथम एश अर्वाग बिलो मुखस्य बिल रूपत्ता, एश अर्वाग बिलो कथम, यही ये कैसा हो सकता है, क्योंकि ये जो मुख है ना ये अर्वाग बिल है,
और मुकस्य एश अर्वाग बिलो मुकस्य बिलोरूपत्ता मुख जो है ना बिल के स्वरूप है शिरसो बुधनाकार ऊर्ध बुधना और जो ऊपर का गोल खोपड़ा है ये क्या है बुधनाकार वाला है अतएव ऊर्ध बुद्र कर दिया गया कहा दिया गया गोल आकार है इसलिए तस्मिन यशो निहितम विश्व रूपमिति और उसी में जो है ना यश निहित विश्व रूपम इत्यादि जो मंत्र है उसका अनुकरण कर देती इति तक अनुकरण यथा सोमस चमसे एवं तस्मिन शिरसि जिस प्रकार चमस पात्र में सोम रूपी यश को स्थापित किया जाता है उसी प्रकार से इस शिर में विश्व रूपम नाना रूपम निहितम स्थितम भवती यहाँ विश्व रूप है मैंने नाना रूप निहित है रूप मैंने यश यहाँ तात्पर्य नाना यश विषय ज्ञान को यहाँ पर रूप कहते हैं यश कहते हैं अनेक प्रकार के विषय ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त करते हो वो सब खोपड़े के भीतर में ही बुद्धि में निहित है अतएव कह दिया निहितम स्थितम भवती किम पुनः देश इसे पूछा क्या है वो यश प्राणा हई विश्व रूपम प्राण श्रोत्रादय वायवश्च मरुत सप्तदा तेज प्रसृता यशेत्येतदाह मंत्रः वे कौन है वो ये श्रोत्रादि इंद्रियां ही है और वायवश्च मरुत सप्तदा जो कि सप्तदा कह दिया सात सात इंटू उनचास है वो मरुदगण सप्त विदेशीषण्या प्राण इत्यादि आगे पहले 530 पृष्ठ में जा चुका है जो उसी को दे रहे दोबारा यहाँ पर कहते हैं कि वायवश्च मरुता सप्तधा सप्तधा पर टिप्पणी इंद्रिय उपाधिकृत मरुता सप्तधा इंद्रिय रूपी उपाधिकृत जो है मृत सप्त प्रकार को नहीं तो प्राण तो एक है अब वो सात कैसे हो गया पंच प्राण प्रसिद्ध है कहते सात इसलिए सप्त इंद्रियोपाधि में जो प्राण के बिना इंद्रिय चलती नहीं इसे प्रत्येक इंद्रिय रूपी उपाधि में प्राण क्या है पहले ही बताया था ना इंद्रिया प्राण के साथ तादात्म्यापन होकर रहते हैं ये कहा क्या पड़वी शंकुना दृष्टान्त के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है ये पूर्व में बोल चुके हैं अतएव होगा रहे यहाँ पर कि सप्त हो गया हो सात इंद्रिया रूपी इस खोपड़े विद्यमान है उसके उपाय से विशिष्ट होकर के मूर्त भी सात तेज प्रसृता उनसे प्रसृत गण है ये इंद्रिया यश नहीं होते इनसे प्रसृत तेषु प्रसृता यश इत्यतदाह मंत्र इसी बात के मंत्र ने कहा प्राणान एव यशेत्याह इसे प्राणों को ही यश करके कह दिया गया कि इन्हीं के माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार के विषय ज्ञान को लेकर विभिन्न प्रकार का भोग करते सुख दुख आदि का भोग करते हैं अतएव इनसे इनमें इंद्रियों में प्रसृत प्राण की जो सप्तदा मर्द रूप है उन्हीं को भी प्राण शब्द से कह करके यश नाम से कह दिया शब्दादि ज्ञान हेतु और स्पष्ट कर देना आगे कि शब्दादि ज्ञान का कारण होने से शब्दादि विज्ञान का कारण क्या है दृष्टित्व न शब्दादि ज्ञान का अनुभव अनुभविता के रूप में दृष्टित्व न विद्यमान होने से तस्य आसद ऋषय सब तीर इति मंत्र भाग में कहा तस्य शर चमसस्य आसत ऋषय शब्दादि दृष्टा रूपा जो विषय है ऋषिया है वे सात संख्या विद्यमान होकर के तीरे उसके अगल बगल में सात जगहों पर विराजमान ही थी प्राण मैने कर्ण आश्रया परिस्पंदात्मक ऋषय प्राणानितिदाह मंत्र थी कौन है वो प्राणा मैने पुनः उन इंद्रियों को लेनी पड़ेगी कर्णाश्रया कर्णों में आश्रित जो प्राण कर्ण रूपी इंद्रिया इंद्रियों में उपाय इंद्र रूपी उपाय से विशिष्ट जो प्राण उनको पूर्वत परिस्पंदात्मक वो भी यहाँ लेना परिस्पंद सप्त वायु को ही रूप से लेना तेव च ऋषय वे ही यहाँ ऋषिया भी है प्राणा नेतदाह इसलिए मंत्र ने कहा कि प्राणों को ही ऋषि शब्द से कहा जा रहा है प्रसिद्ध ऋषि आश्रित अथवा प्रसिद्ध ऋषियों का आश्रय तथा इंद्रियों का जो है अधिष्ठात्र देवता जैसे होते हैं इन इंद्रियों का भी जो है ऋषि भी होते हैं उन ऋषियों को ले कोई आपत्ति नहीं वाग अष्टमी ब्रह्मणा संविधान ये मंत्र भाग में था उसके अनुवाद किया है अनुकरण ब्राह्मण ब्राह्मण भाग में ब्रह्मणा संवादम कुरुती अष्टमी भवती ब्रह्मण मने वक्तृत्व न अष्टमत्व हेतु यह थोड़ी टिप्पणी में शुद्धियां करो तीन नंबर बनाओ उसको दो को तीन बनाना पड़ेगा
पहले वाला दो का नहीं, दो बार दो आ गया ना, वो दूसरी बार जब दो आया उसको तीन कर देना, उसके बाद में जो है उसको काट ही देना, बाद में तीन है ना, यशमाद अष्टमी ये वाक इत्यादि, वहां जो तीन है उसको काट ही देना, ठीक है। इसी प्रकार से नौ नंबर में भी गड़बड़ी है, चरवण क्रियावत्व है ना नौ, उसके बाद में इधर क्या लिखा है अतृत्व से पहले है? दस दे दिया, वो काट दो दस, वो आगे फिर दस अलग है, वो एक ही वाक्य है, वो अलग गलती से दोनों दो दोबारा से कर दिया है नंबर। अच्छा, और कहते ब्रह्मणा समाधान करवती अष्टमी भवती तद हेतु माहा, उसी में कारण बता रहे तद हेतु माहा वाघी अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते इति, या संवित्ते के ऊपर चार नंबर टिप्पण दे, संवित्ते मेरे ख्याल से वाक के ऊपर है ना चार, उसको काट के संवित्ते पर बनाओ, अब नीचे टिप्पण ठीक बैठेगा तब। संवित्ते मैंने संसृज्यते संबद्धते, मैंने वेद रूपी मुख को आधार बनाता आलंबन करता हुआ वाणी अपना संवाद रूपी क्रिया को कर्म को करती है। यह के पुरस्तम से तीरा आसत ऋषे थी, कहते हैं तस्म से तीरे आसत ऋषे के ते, उस चमस रूपी जो है सिर के अंदर के तीर पर विद्यमान जो ऋषि हैं वे कौन कौन है, और ऋषियों का नाम भी ले रहे हैं, तत्व इंद्रियों का बीमारी जो ऋषि, इमावे गौतम भरद्वाज अयमेव गौतमो अयम भरद्वाज इमावे विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रो अयम जमदग्निर इमावे वशिष्ठ कश्यपौ अयमेव वशिष्ठ अयम कश्यपो वागे वत्रिर वाचायन्न मध्यते अत्तिरह वै नाम एतद्यद् अत्रिर्दि सर्वस्य अत्ता भवति सर्वमस्यन्नं भवति एवं वेद। शिशु ब्राह्मण की परिसमाप्ति इसी कंडिका से हो रहा है। इमो एव गौतम भरद्वाज, ये जो गौतम और भरद्वाज यही दो ऋषि हैं, एक तो गौतम है दूसरा भरद्वाज। अयम अयम दोबारा क्यों बोल रहे, गौतम अयम भरद्वाज अयम, ये कोई जरूरी किस काम का है, कोई मतलब नहीं, इसका भी हो सकता है इसका भी हो सकता है, विकल्प, इसका गौतम मानो इधर भारद्वाज हो जाएगा, ये गौतम मानो इधर भारद्वाज हो जाएगा, इसे ऐसे बोल दिया गया, दोनों बोल दिया, फिर बाद में गौतमो अयम भरद्वाज अयम दोनों को ले लिया, अयमेव गौतमो अयमेव भरद्वाज, ये दोनों चक्षु में इन दोनों को कहने कर्णो, फिर चक्षु बाद में पहले कान फिर चक्षु, चक्षु में कौन दो देवता है, विश्वामित्र जमदग्नि ये दोनों ऋषि है, इमोवे विश्वामित्र जमदग्नि ये दोनों चक्षु का, दाहिने अंग में विश्वामित्र मानोगे तो बाएं अंग में जमदग्नि माननी पड़ेगी, यदि बाएं दाहिने में जमदग्नि मानोगे तो बाएं में विश्वामित्र हो जाएगा, इसलिए कह दिया जो है अयमेव विश्वामित्रो अयमेव जमदग्नि, आइए दो नासिका चित्र में इमोवे वशिष्ठ कश्यपौ अयम वशिष्ठ अयम कश्यपौ, और वागे वत्री सात ऋषियों का नाम आ गया ना, ये सप्तम ऋषि लोग हैं सप्त ऋषि, इन सातों ऋषियों का नाम यहाँ आ गया, दायना चित्र बाय चित्र विकल्प है, कोई भी ऋषि को किसी में भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं है। वागे वत्री महर्षि वाणी, अत्री कैसे हो गया, वाचाई अन्नम मध्य दे वाणी के द्वारा अन्न का उपभोग करता है, इसलिए कह दिया, अरे अद्यति अति होनी चाहिए, अत्री कहां से हो गया, अति को अत्री आपने कैसे बना दी, कहते अति रहे वही नाम, ठीक ही है उसका नाम वास्तव में अति ही था, अब एक ये परोक्ष वही देवता वाली बात है, परोक्ष प्रिया ये देवता, ऋषि लोग भी जो साक्षात उनका नाम सिखाया उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अति को अत्री बना करके बोल दिया गया, अरे रडियो वेदांत जब करेगा तो अत्री बोलना पड़ेगा, मुश्किल हो जाए, अत्री बोलते हैं जो रडो रडो का वेद करते बिहार में वो तो मुश्किल करेगा, फिर तो ड को र कर दे र को ड कर दे उल्टा कर रहे हैं तो मुश्किल पड़ेगा, ड को र करते हो तो ठीक है, घोरा फरक फरक कर रहे हैं, फरक पर घोरता
वहां तक तो ठीक है, लेकिन रा गड्ढा करेगा तो यहाँ उच्चारण मुश्किल हो जाएगा ना, फिर अतरी बोलना पड़ेगा अतरी को। खैर अत्री ये नाम रख दिया, एतद्यद् अत्रिदि, जो अति नाम था उसी को हम यहाँ पर अत्री करके लोग में प्रसिद्ध हो गया है। जो ऐसा जानता है यह एवं वेदा, जिस प्रकार से उपासना करके समझते शिशु ब्राह्मण प्राण की उपासना, शिशु रूपी प्राण की उपासना इस प्रकार से जो कर लेता है वो सबसे अत्ता भवती सर्वमस्य निंच भवती, वो सभी का अत्ता होता है और सब कुछ उसका अंग भी हो जाता है। इमोवेव गोतो भरद्वाज कर्णव, ये जो गोतो भरद्वाज ऋषि कहाँ गए हैं, दोनों कर्णाभिमानी ऋषि लोग हैं। कर्णव अयमेव गौतमो अयम भारद्व दक्षिणश्च उत्तरश्च विपर्ययेण वा, दाहिने बाएं या बाएं तो जैसा आपकी मर्जी लो, जिसको भी जहां भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कह दिए भाष्यकार विपर्ययेण वा, प्रसिद्धि के कारण से इमो कह दिया, नाम नहीं ले रहे हैं, क्रमशः ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले कान गए, फिर नाक, नाक से भी नीचे है क्या छिद्र, छिद्र है ना नाक का, पहले तो गए कान में, फिर आगे चक्षु में, बाद में नाक, उल्टा क्रम ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर अंत में वाणी में चले गए भीतर, मुख के भीतर, ये क्रम ठीक। तथा चक्षुषी उपदिशन उवाच, इसी प्रकार से चक्षु में कौन है उसको उपदेश करता हुआ कहते हैं, इमोवेव विश्वामित्र जमदग्नि दक्षिणम विश्वामित्र उत्तरम जमदग्नि विपरीण वा, यहां विपर्य कर दिया। इमोवेव वशिष्ठ कश्यप नासिके उपदिशन उवाच, नासिका में विराजमान ऋषियों को उपदेश करता हुआ कथन कर दिया, ये कौन है वो वशिष्ठ कश्यप, दक्षिण पुटो भवति वशिष्ठ उत्तर कश्यप पूर्व पूर्व मैंने विपरीण वा, वागे वत्री अदृक क्रिया योग सप्तमा, वाग ही अत्रि है, अदृक क्रिया योग के देखता हुआ इसको सातवें नंबर में रख दिया। वाचा ही अन्नम मध्यते, स्पष्ट कर रहे इसे अत्रि क्यों नाम पड़ा, कि वाणी के द्वारा ही वह सब प्रकार के अन्नम को उपभोग करता है, ही मैंने यस्मात अन्नम अध्यते भुज्यते इत्यर्थः, अन्न से तात्पर्य केवल रोटी दाल चीज मतलब ने सब प्रकार, आज दुकान ले लाओ फल लाओ सेब लाओ बोलते कि नहीं, हर चीज को बोलना पड़ता है, कपड़ा लाओ है कि नहीं, हमारे कपड़ा जबान से बोलते मांगते और कपड़ा आपने पहन लिया उसका भोग किया, उसको भोग हुआ ना, इसे हर विषय को भोग एक तरह से वाणी से मुख्य रूपेण होता है सामान्य कथन। तस्माद अत्तिर भाई प्रसिद्धम नाम, इसीलिए अत्तम शीलम इति अत्ति होना चाहिए, अति ही उसका वास्तव में प्रसिद्ध नाम है, एतद अत्रित्वात् अत्तिरिति, क्योंकि यह वाणी अत्ता होने से उसको अत्ति कह दिया जाता है। तस्या चरण क्रियावता, ये भी है चरण क्रिया वाला, विशेष रूप से आप देखेंगे वो उस जुहा में ही है। अतिरिव सन यद अतिरित्व चते परोक्ष, अति होता हुआ भी उसको परोक्ष रूप से अत्री शब्द से कहा जाता है, परोक्ष प्रिया वही देवाहा, ऐसे सिद्धांत है इसके आधार पर। सर्वशीत अन्न जात से श्रम होना चाहिए, परोक्ष खत्म, फिर आगे उपासना फल बता रहे ना, सर्वस्य हेतुस्य अन्न जातस्य प्राणस्य अत्रीर निर्वचन विज्ञानाद अत्ता भवती, सर्वस्य एतस्य अन्न जातस्य, संपूर्ण यह जो कुछ भी अन्न का स्वरूप है, यह टिप्पणी से छह नंबर उपास्ति फलम वक्ति, उपास्ति का फल कथन आरंभ है यहां से। अन्न जातस्य प्राणस्य अत्रि निर्वचन विज्ञानात, अत्रि इस निर्वचन का विज्ञान से मालूम होता है स्पष्ट ही, वह सर्वस्य अत्ता भवति, ये उपासक सभी का अत्ता हो जाता है, अत्तैव भवति नामुष्मिन अन्नेन पुनः प्रतिपदिते, वह अत्ता ही रहता है, कभी दो बार अनुभव को अर्थात पंचायत विद्या के चक्कर फंस करके संसार चक्र में अगर दो बार अन्न बारम्बार अनुभव को प्राप्त नहीं करता, अत्तैव भवति उपासको असौ अमुष्मिन परत्र माने परम प्रतिदियावत पुनर अन्नेन अन्नत्वेन कदाचन न प्रतिपद्यते अद्यत्वेन न प्राप्यते उपासितः यद् भोज्यं तस्य तं प्रति न भोक्तृत्व किन्तु भोग्यत्वमेव इति यावत्, क्योंकि जो भोग्य होता है वो भोग्य ही रहेगा, वो कभी भोक्ता नहीं होता, और ये भोक्ता हो ही गया है अतएव कभी भोग्य नहीं होएगा।
अमुश्वर जैसे परलोक की दीवार था, परलोक में भी वह भोगता ही रहता है, यहाँ जान के यहाँ से गया वहाँ, वहां भी वो भोगता ही बनते रहेगा, कभी वहां भोज्य भी अन्न रूप नहीं धारण करता। इत्येत उक्तम भवति सर्वमस्य अन्नम भवति इति, इसलिए कह दिया सर्वम यह लोग परलोक सकल चीजें उसके लिए अन्न ही होते हैं, भोग्य ही होते हैं, कभी वह स्वयं भोग्य नहीं हो जाता, सदा भोगता रहता है। ये एवमेतत् यथोक्तम प्राण यथात्म वेदा, जो कोई इस प्रकार से प्राण की यथार्थ स्वरूप को जानता है, स एवं मध्यम प्राण भूत्वा, वह स्वयं भी एतार्ष मध्यम प्राण स्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है, मरने के बाद वो मध्यम प्राण रूप को ही प्राप्त कर जाता है। इसलिए आदान प्रत्यादान तो भोक्ता ही होती, आदान प्रत्यान आदि में आरूढ़ होकर के वह सदा भोक्ता ही होता है, न भोज्यम भोज्यावर्तित कभी भोज्य नहीं होता, अर्थात भोज्य से सदा के लिए वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से प्राणावय सत्य में प्राण का व्याख्या हो गया। अब प्राणों से भूतों में आना, भूतात्व है ना, ये भूतात्व है, नाम रूप है, ही लिया था, तो इसीलिए आपको उसमें ले जाना है, तो मूर्ता मूर्त ब्राह्मण आरंभ कर लेना। तत्र प्राणावय सत्यम इत्युक्तम, भाषा अवतरण का देव जोड़ रहे हैं प्राणावय सत्यम, इसका जो व्याख्या एक तरह से पिछले ब्राह्मण में कर दिया गया। यह प्राणाराम उपनिषदा ब्रह्म उपनिषद प्रसंगीन व्याख्या, इसलिए प्राणों का जो उपनिषद है उपासना है रहस्य है, इसको हमने ब्रह्मोपनिषद का प्रसंग होने से सत्य से सत्यम ब्रह्मोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद शुद्ध ब्रह्म विद्या वो तरह से नहीं चले जाना अभी वहां पर, यहाँ सत्य सत्यम रूपी जो ब्रह्मोपनिषद जब पूर्व में विचार हो चुका है, विस्तार से शास्त्रार्थ हुई है, उस सत्य सत्यम रूपी ब्रह्मोपनिषद उस ब्रह्म जो है रहस्य जो है उसी चीज को का प्रसंग था, उस प्रसंग में इस प्राणोपनिषद का भी व्याख्या हो। एतेते प्राणा इति इच्छा, और एतेते प्राणा इत्यादि जो संख्यात सप्त श्रोत्रादि है, कौन है वो श्रोत्रादि जो सात है, उन सब का भी जो उपाधि की प्राण शब्द संज्ञा जो प्राप्त कर रहे हैं उनका भी व्याख्या प्रसंग वशात कर दिया गया है। अतएव गार्ग्योक्त ब्रह्म का विस्तृत विचार एक तरह से शिशु ब्राह्मण में हो गया कि गार्गी ने क्या लिया, सब ये ला करके प्राण में आकर के टिक गया, जीवात्मा जीवात्मा का भी प्राण रूप स्वरूप को लेकर प्राणाभिमानित्व ने लिया दीप्त बाला के, और इससे आगे कोई और चीज नहीं, ब्रह्म नाम का वस्तु नहीं है, तो उसकी बात एक तरह से व्याख्यान करके समझा दिया। और अब अजात शत्रु जिस ब्रह्म का बोध कराना चाह रहे थे उस ब्रह्म उपनिषद की व्याख्या के लिए आवश्यक भूता पंचभूतात्मक चीजों को कथन करना आवश्यक है, क्योंकि जगत जो तत्जला के पास पहले आ चुका था जिस चांदोग्य में, यहाँ पर भी कह दिया जगत के बारे में, वो जगत किम रूपम पंचभूतात्मक, कहा था ना पूर्व में अवतरण का देते द्वितीय ब्राह्मण में ये बात समझा दिए थे, और पंचभूतात्मक कब ही समझाना है अभी, क्योंकि पंचभूत रूपी सत्य को जब तक नहीं जानोगे तो सत्य का सत्य को नहीं जान सकते। आते मूर्तावर्त ब्राह्मण आरम्भ हो गए की मात्र कहा कदम वेशान सत्यतम इस वक्तव्य, इसे ये वक्तव्य है अभी इस समय में, ते किमात्म का कथम वेशान सत्यमिति ते चेतना स्यु अचेतना, क्योंकि द्वितीय ब्राह्मण में कारणात्मनो विकारावा न तावत चेतना अनात्म, नीचे जगह जगह चार नंबर टिप्पण है किमात्मा कथम शंग क्यों उत्पन्न हो रहा है यहाँ इस ब्राह्मण के अवतरण में, इसीलिए क्यों ते चेतना स्युर अचेतना, वो चेतन है कि अचेतन है, और अचेतन पक्ष में विचार करिए द्वितीय कारणात्मनो विकार आवा न, द्वितीय पक्ष में भी अचेतन में भी कारण रूप है या कार्य रूप है ये विचार करना है, न तावत चेतना अनात्म पहला पक्ष है, चेतन पक्ष में विचार करोगे ये तो चेतन हो नहीं सकते, क्यों ये सब अनात्मा है, अचेतन प्राण श्रोत्रादि आपने जाना और मुख्य प्राण परिंत सब वाला तो वो भी अचेतन है, अतएव जो आत्मा हो नहीं सकता अनात्मत्व, और चलो अचेतन है तो अचेतन में कारण रूपा मानो तो ना भी कारणात्म हो जन्म श्रुते क्यों उनका जो उत्पत्ति बता रहे हो आप, चलो फिर कार्य रूप मानिए, कार्य रूप ही नहीं हो सकता विकार थे वाचार मन न सत्या, यदि विकार रूप है फिर तो विचार वाचार मनो विकार नाम दे मृत्यु कहते हो सत्यम मिथ्या हो जाएगा सब, फिर इनको सत्य शब्द वाच्य कैसे प्रयोग कर दिया सत्य सत्यम इसमें इसको कैसे ले रहे हो, इसीलिए न सत्या आकांक्षा प्रकार अनुवादार्थम इति शब्द,
ये दार्शन मन में आशंका है, उन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण आरंभ होता है। पंचभूतानां सत्यानां कार्यकरणात्मकानां स्वरूप उदाहरणार्थम इदं ब्राह्मणम आरभ्यते। स्पष्ट कर दिए भाष्यकार, ये जो ब्राह्मण आरंभ हुआ है इसीलिए ही कि पंचभूतानां सत्यानां, पंचभूत जो सत्य है, सत्य शब्द वाच्यानां, सत्यानां माने सत्य शब्द वाच्यानां, पंचभूतानां कार्यकरणात्मकानां, जो कि कार्यकरण में स्थूल सूक्ष्म आत्मना, स्थूल सूक्ष्म रूपेण इस संसार में पंचीकृत और अपंचीकृत भाव में जो परिव्याप्त है, स्वरूप अवधारणात्म इनके स्वरूप का निश्चय करने के लिए इदं ब्राह्मणम आरभ्यते। ब्राह्मण एक देश भूतम अर्थात आदेश प्राप्तन वाक्या, ब्राह्मण एक देश भूत को ले रहे हैं इदं ब्राह्मणम ने, संपूर्ण ब्राह्मण यही बात कह देंगे फिर तो वो सत्य का कहां बात आएगी, सत्य से सत्यम संपूर्ण व्याख्या नहीं हो पाएगा। जो सत्य से सत्यम में जो पहला था षष्ठ्यन सत्य था उसका अर्थ करते पंचभूत, और उसको समझाने के लिए प्राण में गए, उसको भी सत्य शब्द से कह दिया, ठीक है, प्राण रूपा सत्य का व्याख्यान करके अब भूत रूपा सत्य का व्याख्यान करके चुप हो जाओगे, इनका भी जो सत्य हो ब्रह्म को कैसे बोधो। इसलिए इस ब्राह्मण में मूर्तामृत ब्राह्मण में केवल भूतादि सत्य का व्याख्यान नहीं है, इस मूर्तामृत ब्राह्मण का एक अंश में एक देश में ये व्याख्या है, तद्वारा उस सत्य को समझाना, पूर्ण ब्राह्मण में यही व्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया ब्राह्मणम आरभ्यते की व्याख्या टिप्पण कर कहते हैं नहीं नहीं ब्राह्मण एक देश भूतम, कहां तक रहेगा एक देश भूतम का मतलब, अथात आदेश करके जहां से आरंभ करेंगे अशुद्ध ब्रह्म का व्याख्यान करने वाले हैं, अथात आदेश से पूर्व तक ही केवल पंचभूतात्मक सत्य मूर्तामूर्त का व्याख्यान, फिर उनका निषेध करता अथात आदेश नेति नेति आरंभ करना पड़ेगा ना, मूर्त का निषेध, मूर्त का निषेध किए बिना वास्तविक सत्य को कैसे ले जाओगे, इसे अथात आदेश नेति नेति तक ही केवल मूर्तामूर्त ब्राह्मण में पंचभूतात्मक का विचार है सत्य का, उसके बाद शुद्ध का विचार होगा। यदि उपाधि विशेष अपने द्वारे ना, क्योंकि जो है ऐसा उपाधि विशेष रूपाण, जिन उपाधि विशेषों का वर्णन किया मूर्तत्व अमूर्तत्व, उन्हीं उपाधि विशेषों का अपनय द्वारा, अपने द्वारे ना, क्या अपने का द्वार था नेति नेति, ये जो वाक्य ये अपने का द्वार, नेति नीति द्वार इसलिए बोल गया, नेति मूर्त परिषद करने, दूसरा नेति अमूर्त परिषद करने, इनके द्वारा ब्रह्मण सततम निर्दिदारिषितम, ब्रह्म का वास्तविक जो स्वरूप है उसको निर्धारण करने के लिए इच्छित है इस ब्राह्मण, तत्र द्विरूपम ब्रह्म, इसीलिए वो ब्रह्म का द्विरूप माननी पड़ी, ये है लेकिन समझाने के लिए मान के चलना पड़ेगा ना, तो तत्र द्विरूपम ब्रह्म, क्या दो रूप है, सोपाधिकम निरूपाधिकम, एक सोपाधिक है एक निरूपाधिक है ना, तो पंचभूत जनित कार्यकरण संबद्धम मूर्तामूर्ताख्यम मर्त्यामृत स्वभाव तज्जनित वासना रूपम च सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाख्यम भवति एकम, एक तो यह है जो कि कैसा है क्रियाकार फलात्मक सर्वव्यवहारास्पदम, ये सब इकट्ठा लेना पड़ेगा, पहला सब तत्र द्विरूपम ब्रह्म, वह कॉमा कुछ नहीं दिया है, कॉमा होनी चाहिए, ये प्रतिज्ञा जैसे होगी दो रूपये ब्रह्म का, उसे पहला कौन है वो समझा रहे, पहला वो है जो कि पंचभूतों से जनित कार्यकरण से संबद्ध मूर्तामूर्त नाम से सुप्रसिद्ध मर्त अमृत स्वभाव वाला है, क्योंकि मूर्त क्या है मर्त स्वभाव है और अमूर्त अमृत स्वभाव आकाश स्वभाव, तज्जनित वासना रूपम च सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाक्यम भवति, तज्जनित जो वासना रूपम कह दिया वासनामयम तृतीय रूपम आशंका, कहते नहीं वो अलग नहीं है तृतीय रूप, वो कोई तीसरा नहीं समझना वासना के वासना रूप, वो भी तज्जनितम एव इन्हीं के ही से जन्य है वो वासना रूपम च सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाक्यम भवति, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है सोपाधिक है, स्वपाक्य निर्वचनीय और निरुपाक्य मैंने अनिर्वचनीय, क्रियाकार फलात्मकम च क्रियाकार फल रूपा है वो सर्वव्यवहारास्पदम सगुणम ब्रह्म, तदेव ब्रह्म विगत सर्वोपाधि विशेषम, अब आया निरुपाधिक वही जो सगुण ब्रह्म विगत सर्वोपाधि विशेषम
सम्यक दर्शन विषयम अजम अजरम अमृतम अभयम वांग मनसी और अपि अविषयम अद्वैत तत्वात् नेत्रेति निर्दिश्यते। और उसी जो सर्वोपाधि विषय से रहित है, सम्यक दर्शन का विषय भूता है, अज है, अजर है, अमृत है, अभय है और क्या है, वाणी और मन आदि का भी अविषय है, ऐसे अद्वैत तत्व को ही नित्य नित्य से यहाँ निर्गुण ब्रह्म को निर्देश किया गया है। तत्र यद अपो द्वारेण नित्य नित्य निर्देशते, जिसका निषेध द्वार किनका, मूर्त अमूर्त, यद अपो द्वारेण नित्य नित्य निर्देश, नित्य नित्य के द्वारा निर्देश किया जा रहा है ब्रह्म ते एते द्वेवाव वाव शब्द अवधारणार्थ, उसी का उस सगुण ब्रह्म का, इसलिए क्योंकि सगुण ब्रह्म को बताए भी ना उसका निषेध नहीं कर सकते, निषेध के लिए पहले निषेध का वर्णन करना जरूरी है। निषेध का विषय किसको हम निषेध कर रहे हो, नेति नेति से उसका विषय होता मूर्त न मूर्त को ही आरंभ करते हैं। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच एव मूर्तंच मर्त्यंच मृतंच स्थितंच यच्छ सच्च त्यच्छ। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे, ये जो सगुण ब्रह्म का भी स्वरूप क्या है, दो है, सगुण ब्रह्म में भी दो भाग है। द्वेवाव सगुण ब्रह्मणो रूपे समझना है यहां पर, मूर्तंच एव मूर्तंच, एक मूर्त रूप है दूसरा अमूर्त रूप है। मूर्त मने क्रियावत्तम, अमूर्त मने अक्रियावत्तम, ऐसे सामान्य रूप में ले सकते हो लेकिन वेदांत मत में नहीं, इसलिए उसी मूर्त का व्याख्या करते हैं। मूर्त मने मर्त्यम, अमूर्त मने अमृतम, ये भी अमृत सापेक्ष मुख्य अमृतत्व शुद्ध ब्रह्म में ही है, इसे और भी व्याख्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया, कहीं ऐसे समझे कि अमृत ने मोक्ष हो गया सीधे, नहीं नहीं, स्थितंच यच्च, एक स्थित दूसरा यत माने गमन स्वभाव, एक स्थावर है दूसरा जंगल, सच्च त्यत वह सत्य है और दूसरा त्यत है, और सत और त्य मिल गया सत्य हो जाता है। तत्र प्राणावश्य, इसलिए भाष्यकार आरंभ करते हैं निर्देशते, इसी को निर्देश करने के लिए शुरू किया, ब्रह्म ते एते द्वे वाव वाव शब्द अवधारणा, ते एते द्वे वाया दो है ब्रह्म का स्वरूप, वाव ये अर्थ में दो ही है कोई तीसरा नहीं, दो ही रूप है, उपासना स्कंद रूप स्कंद दुनिया भर आते हैं ना दूसरे दूसरे शास्त्रकार लोग, ऐसा नहीं, दो ही स्वरूप इसी में सब भाग है, द्वे एव इत्यर्थ, ब्रह्मण परमात्मनो रूपे, ब्रह्म रूपी परमात्मा का स्वरूप, रूप्यते याभ्यां अरूपं परम, ये ब्रह्म का रूप कैसे कह दिया, इसीलिए है ये अरूप का प्रकाशन इसी रूपों के द्वारा हमें होना करना है, इन्हीं रूपों से अरूप को हमें ग्रहण करना है, रूप्यते याभ्यां अरूपं परम ब्रह्म अविद्या अध्यारोप्यमाणाभ्यां, ये दोनों कैसे है, अविद्या के द्वारा आरोप्यमान वास्तविक नहीं है, अविद्या अध्यारोप्यमाणाभ्याम याभ्याम रूपाभ्याम रूप्यते, किम रूप्यते, अरूपमेव रूप्यते, अरूप को प्रकाशित किया गया, वो अरूप क्या है, वही परम ब्रह्म है, माने इनके माध्यम से हम उनका बोध कराने चले हैं, अतएव इनका नाम रूप हो गया, किनका, जिनको प्रकाशित कर रहे हैं उनके प्रति इनको रूप के सदृश रूप कह दिया गया। के तेत्वे वे दो कौन है, मूर्तं चैव मूर्तं एव च, एक तो मूर्त ही है और दूसरा तथा अमूर्तं च अमूर्तं एव च इत्यर्थः। ओम नमः।